नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग तिलहन सॉरी पल्स क्रॉप कंप्लीट कर चुके हैं और आज आयल सीड क्रॉप हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आयल सीड क्रॉप में आज पहली फसल स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग क्या तिलहनों का राजा कहते हैं। तिलहनों का राजा किसे कहते हैं? मूंगफली को। ठीक, आज ग्राउंड नट मूंगफली स्टार्ट करेंगे। मूंगफली, ठीक, इसको इंग्लिश में ग्राउंड नट ग्राउंड नट, ठीक, इसका उपनाम क्या क्या है? इसको कहते हैं मंकी नट, पी नट, पी नट, मनीला नट, और अर्थ नट। इतने नामों से इसको जाना जाता है और इसको गरीबों का बादाम भी कहते हैं। गरीबों का बादाम, ठीक, और क्या कहते हैं? तिलहनों का राजा। तिलहनों का राजा, ठीक, इतने नामों से मूंगफली को जाना जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि मनीला नट या मंकी नट किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दे देगा तो उसमें से मूंगफली जो है उसको मनीला नट या पी नट या अर्थ नट कहते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया, ठीक, एरेकिस हाइपोजिया, इसकी फैमिली फैमिली देखिए, मूंगफली जो है ये लेग्युमिनेसी कुल का है, लेकिन इसका प्रयोग दाल के रूप में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग केवल तिलहन के रूप में किया जाता है। फैमिली लेग्युमिनेसी, लेग्युमिनेसी, ठीक। क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम 2N कितना होता है? 40, ठीक। और इसके दाने को क्या कहते हैं? कर्नेल। इसका दाना कर्नेल कहलाता है, ठीक। देखिए मूंगफली, इसको इंग्लिश में ग्राउंड नट कहते हैं, ठीक। उपनाम इसका क्या क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है? मंकी नट, पी नट, मनीला नट, ठीक, और अर्थ नट कहते हैं। गरीबों का बादाम भी कहते हैं मूंगफली को, उसके बाद तिलहनों का राजा भी कहते हैं मूंगफली को, ठीक। बॉटनिकल नेम जो है मूंगफली का, वानस्पतिक नाम क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया। और इसकी फैमिली लेग्युमिनेसी कुल का है। क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या इसमें 40 होती है। इंपॉर्टेंट है मूंगफली का दाना क्या कहलाता है, तो कर्नल कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, ओरिजिन, इसका उत्पत्ति स्थान,
ओरिजिन प्लेस क्या है मूंगफली का, तो मूंगफली का जन्म स्थान ब्राजील है। मूंगफली का जन्म स्थान क्या है, ब्राजील। जर्मिनेशन, मूंगफली में कैसा अंकुरण पाया जाता है, तो इपीजियल अंकुरण होता है। इसमें बीज पत्र मृदा के सतह के ऊपर आ जाते हैं, तो इपीजियल। इपीजियल अंकुरण पाया जाता है, ठीक। और इसमें देखते हैं हम लोग अब तेल प्रतिशत, ऑयल कंटेंट कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो मूंगफली में 45% तेल पाया जाता है, और इसके तेल में प्रोटीन 26% होती है। तेल 45%, 45% तेल होता है, ठीक। और प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रतिशत, 26% प्रोटीन होता है, 26%, ठीक। और कैसा प्लांट है मूंगफली, C3 प्लांट है और सेल्फ पॉलिनेटेड है। प्लांट टाइप कैसा है, C3 है, SDP शॉर्ट डेप प्लांट। और इसके बाद पॉलिनेशन कैसा होता है, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है मूंगफली में, स्व परागण होता है। ठीक। ओरिजिन प्लेस क्या है, ब्राजील। अंकुरण कैसा होता है, इपीजियल। आयल परसेंट कितना होता है, 45%। पूछा जाता है मूंगफली के तेल में, सॉरी मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो 45। और प्रोटीन कितना होता है, 26% प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। देखिए मूंगफली C3 प्लांट है और SDP शॉर्ट डे प्लांट है। हमने आप लोग से बताया है कि जितने भी नॉर्मली जितने भी खरीफ सीजन की प्लांट होते हैं सब शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, और मुख्यतः रबी सीजन की जो होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। तो SDP शॉर्ट डे प्लांट है क्योंकि मूंगफली कैसा है, खरीफ सीजन की फसल है। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्व परागण होता है मूंगफली में, ठीक। आगे मूंगफली की खली में देखिए मूंगफली की खली में 46% प्रोटीन पाया जाता है, 46% प्रोटीन। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है पूछा जाता है, मूंगफली की खली में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक। तो नाइट्रोजन ही हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितना नाइट्रोजन होता है, 7.3% नाइट्रोजन होता है। और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सर्वाधिक नाइट्रोजन मूंगफली के खली में पाया जाता है। और अगर ऑप्शन में कुसुम की खली दिया है तो नहीं होगा, अगर छिली हुई कुसुम की खली तो उसमें पाया जाता है कितना, 7.9%। छिली हुई कुसुम के खली में पाया जाएगा, और अगर छिला हुआ ना दिया रहे तो सबसे अधिक मूंगफली के खली में होता है, 7.3%। फास्फोरस कितना होता है, 1.5
53%। ठीक, और पोटेशियम, पोटेशियम भी होता है 1.33 पोटास भी पाया जाता है मूंगफली के खली में। ठीक, आगे मूंगफली के खली में एक तत्व पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, आर्डेन। आर्डेन पाया जाता है मूंगफली के खली में। मूंगफली की खली में क्या पाया जाता है, आर्डेन। आर्डेन पाया जाता है। ठीक, आगे एनआरसी, मूंगफली के एनआरसी कहां स्थित है, जूनागढ़ गुजरात में। एनआरसी ऑफ ग्राउंड नट, एनआरसी का मतलब समझते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर, एनआरसी ऑफ ग्राउंड नट। नट कहां है, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहां है, गुजरात। ठीक, जूनागढ़ गुजरात। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक, मूंगफली में एक इंपॉर्टेंट क्रिया होती है जिसको क्या कहा जाता है, पेगिंग। पेगिंग किसे कहते हैं, मूंगफली में फ्लावरिंग के बाद, फ्लावरिंग के बाद जो इसकी सुइयां होती हैं, पॉड जिसमें बनता है, वो जमीन के नीचे, फ्लावरिंग तो ऊपर होगा, और उसके बाद यही नोट्स जमीन के अंदर जाती हैं और उसी में फल बनता है, तो ये क्रिया पेगिंग कहलाती है। ठीक, तो ये कब होती है, परीक्षा में पूछा जाता है कि मूंगफली में पेगिंग की क्रिया कितने दिन बाद होती है, तो बुआई के 55 दिन बाद। ठीक, मूंगफली में पेगिंग, पेगिंग की क्रिया 55 DAS का मतलब डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के बाद 55 दिन, बुआई के 55 दिन बाद होती है। ठीक, और मूंगफली के उत्पादन और क्षेत्रफल में दोनों में गुजरात का प्रथम स्थान है। मूंगफली के उत्पादन एवं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में गुजरात का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक, देखिए मूंगफली की खली में 46% प्रोटीन पाया जाता है और नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिएगा, कितना, 7.3% नाइट्रोजन मूंगफली के खली में पाया जाता है। और एक मूंगफली के खली में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा होता है, आर्डेन। आर्डेन पाया जाता है। एनआरसी कहां स्थित है, जूनागढ़ है, जूनागढ़ गुजरात में है, और स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक, और पेगिंग की क्रिया, देखिए परिचम पूछा जाता है पेगिंग की क्रिया किससे संबंधित है, या पेगिंग किससे संबंधित है, तो मूंगफली से, और कितने दिन बाद होता है,
बुआई के 55 दिन बाद, और मूंगफली के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में गुजरात का प्रथम स्थान है। ठीक, आगे सेलिंग प्रतिशत, मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत सेलिंग प्रतिशत सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? 68 से 75। अगर पूछा जाता है मूंगफली में कितने प्रतिशत सेलिंग प्रतिशत कितना होता है, तो 68 से 75 होता है। टेस्ट वेट, टेस्ट वेट कितना होता है? 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम टेस्ट वेट होता है। आगे मूंगफली के पत्तियों में पीलापन जो होता है किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, इंपॉर्टेंट है। मूंगफली की पत्तियों में पीलापन ठीक किसके कमी से होता है? आयरन की कमी से, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से होता है। आगे देखिए, भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली है, और विश्व की मुख्य तिलहनी फसल सोयाबीन है, याद रखना। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली। मुख्य तिलहनी फसल मूंगफली है, और मूंगफली दो प्रकार की होती है, एक तो बंच टाइप और दूसरा स्प्रेडिंग टाइप। बंच टाइप जो होती है उसमें सुषुप्तावस्था नहीं पाई जाती है, और स्प्रेडिंग टाइप जो होता है उसमें सुषुप्तावस्था पाई जाती है। यही डिफरेंट है मेन, और इसको याद भी रखिएगा। पूछा जाता है मूंगफली के किस किस्म में सुषुप्तावस्था नहीं पाई जाती है, तो बंच टाइप में होता है। ठीक, पहला तो हम लोग देखते हैं बंच टाइप। इसको क्या कहते हैं? पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ, इतना देख लीजिए, हम आगे देखते हैं। सेलिंग प्रतिशत 68 से 75 होता है, टेस्ट वेट 200 से 250 ग्राम होता है, मूंगफली के पत्तियों में पीलापन आयरन की कमी से होता है, और भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली है। ठीक, आगे तो हम बता रहे थे दो टाइप होती है, देखिए कौन कौन सी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंड नट, क्लासिफिकेशन पहला है बंच टाइप, बंच टाइप। ये जो बंच टाइप होता है इसको क्या कहते हैं? झुमका भी कहते हैं और सीधी बढ़ने वाली, झुमका और सीधी बढ़ने वाली भी कहते हैं, सीधी बढ़ने वाली। सीधी बढ़ने वाली, और इसको स्पेनिश भी कहते हैं, स्पेनिश। ठीक, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? बीएन एरेकिस हाइपोजिया, तो दोनों में होगा,
एरेकिस, एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया तो कॉमन है, ये दोनों में होगा। आगे सब स्पीसीज क्या है, सब स्पीसीज फैस्टिगाटा, सब स्पीसीज क्या है, फैस्टी फैस्टिगाटा, ठीक, सब स्पीसीज फैस्टिगाटा होती है, ठीक। इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती है, सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती है, यही मेन डिफरेंट है। अगला दूसरा जो है स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग टाइप, इसको सीधी बढ़ने वाली कहते हैं और स्प्रेडिंग को क्या कहते हैं, फैलने वाली। ठीक, बंच टाइप को स्पेनिश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्जीनिया। वर्जीनिया ग्रुप की है ये, ठीक। देखिए और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया हाइपोजिया सब स्पीसीज सब स्पीसीज प्रोकुम्बियंस, प्रोकुम्बियंस, ठीक। देखिए बंच टाइप, इसमें क्या पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, फैस्टिगाटा, एरेकिस हाइपोजिया और फैस्टिगाटा। और मेन डिफरेंट जो है, सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती है, और एरेकिस हाइपोजिया प्रोकुम्बियंस में बंच टाइप में क्या होता है, इसमें सुसुप्तावस्था पाई जाती है, सुसुप्तावस्था पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक। आगे टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर इसमें बढ़वार के लिए कितना टेम्परेचर, 20 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान, किसके लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, पैगिंग निर्माण के लिए, ठीक। और अगर तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पैगिंग की क्रिया प्रभावित होती है, से कम होने पर पैगिंग की क्रिया प्रभावित होती है या कम होने पर
हानिकारक होता है। ठीक, आगे हम लोग अब इसकी मुख्य मुख्य किस्में देख लेते हैं। वैरायटी किस्में, पहला सबसे पहले देखते हैं बंच टाइप की। बंच टाइप, बंच टाइप में क्या क्या है? जेके 24 है और एके 12 है और 24 है। जेके 24, एके 12 और 24 है। ठीक, और उसके बाद जी जी मतलब गुजरात ग्राउंडनट कितना है? 2। जी जी 2 है, 7 है। टी एम वी टू है। ठीक, और इसके बाद पोल टू ज्योति है। इसके बाद एक किस्म क्या है? मल्लिका के बाद एक कौन है? किसान भी है। ठीक, ये तो किसकी है? बंच टाइप की है। इतनी जो है बंच टाइप की है। अब इसके बाद स्प्रेडिंग टाइप, स्प्रेडिंग टाइप की कौन कौन सी हैं? पहला तो है M13, दूसरा RS1। ठीक, RS1 है, इसकी एक खासियत है। RS1 की क्या है खासियत? इसका दाना गुलाबी होता है। दाना गुलाबी होता है। ठीक, और कौन कौन सी हैं? चित्रा है, चंद्रा, जी जी अलेवन के बाद टाइप 28, इसकी भी एक किस्म है। और ग्रीष्मकालीन के लिए टी ए जी 24, ये कैसी किस्म है? टिक्का प्रतिरोधी। ठीक, टेम्परेचर कितना? 20 से 23 ये सुटेबल टेम्परेचर है, और 13 से कम होने पर पैगिंग की क्रिया प्रभावित होती है। किसमें? बंच टाइप में जेके 24, एके 12, एके 24, जीजी 2 और 7, टीएमवी 2, पोल 2, ज्योति, मल्लिका और किसान, ये तो है बंच टाइप की। और स्प्रेडिंग टाइप में M13, RS1, RS1 का दाना गुलाबी होता है। किसका दाना गुलाबी होता है? RS1 का। और चित्रा, चंद्रा, जीजी 11, T28। और ग्रीष्मकालीन के लिए है TAG24, जो टिक्का प्रतिरोधी किस्म है। ठीक, आगे इसका सोइंग टाइम, सोइंग टाइम कब करते हैं? ये खरीफ सीजन की फसल है, तो सभी खरीफ में कब करते हैं? जून जुलाई। ठीक, सीड रेट, बंच टाइप जो होता है,
बंच टाइप, बंच टाइप के लिए रखते हैं 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और स्प्रेडिंग टाइप स्प्रेडिंग टाइप के लिए कितना रखते हैं 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 रखते हैं। और इसमें उर्वरक में मेनली क्या पूछा जाता है, जिप्सम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास नहीं पूछा जाएगा, जिप्सम पूछा जाता है। जिप्सम का प्रयोग कितना करते हैं, जिप्सम ढाई सौ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इसमें कैल्शियम की कमी से एक रोग होता है, जिसमें क्या होता है, दाने खाली रह जाते हैं, पॉपिंग की क्रिया हो जाती है, उसको पॉपिंग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, फलियां खाली रह जाती हैं, और जब फलियां खाली रह जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं, पॉपिंग, ठीक, इसको पॉपिंग कहते हैं। और इरिगेशन, सिंचाई, मेनली दो सिंचाई, और कब कब करते हैं, क्रिटिकल स्टेज क्या है इसकी, क्रांतिक अवस्था, तो पहली इरिगेशन कब करते हैं, बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले, और दूसरी जो करते हैं पेगिंग, स्टेज। और ये पेगिंग स्टेज कब आता है, बुवाई से 55 दिन के बाद। देखिए, सोइंग टाइम जून जुलाई है, सीड रेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्प्रेडिंग टाइप में कितना रखते हैं और बंच टाइप में। तो स्प्रेडिंग देखिए, एक का तो होता है 80 से 100 और दूसरा 60 से 80, तो जो स्प्रेडिंग मतलब फैलने वाली है, अगर फैलने वाली तो जो ज्यादा जगह लगी और कम बीज लगेगा, तो स्प्रेडिंग टाइप में 60 से 80 होता है, ये फैलने वाली है। और बंच टाइप जो होती है, गुच्छेदार होती है, तो उसका 80 से 100 है। जिप्सम कितना प्रयोग करते हैं, 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, पॉपिंग, जिसमें फलियां खाली रह जाती हैं। इरिगेशन कब कब करते हैं, बिफोर फ्लावरिंग करते हैं, और एक पेगिंग के अवस्था पर, ठीक। आगे है इसका भंडारण, कितने पे करेंगे, 8% से कम नमी होने पर भंडारण, 8% से कम नमी होने पर, एक प्रश्न तो ये भी पूछा जाता है कि मूंगफली में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, कितने दिन के बाद नहीं करना चाहिए। तो देखिए, 55 दिन के बाद जब पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद कोई भी कर्षण क्रिया मूंगफली में नहीं की जाती है। ये करने से क्या होगा, पैकिंग प्रभावित होता है। 8% से कम नमी होने पर इसका भंडारण किया जाता है, और अगर नमी ज्यादा रहता है तो क्या होता है, एक अफ्लाटॉक्सिन नामक
कवक से ये बीमारी उपलब्ध होती है, ये अधिक नमी के स्टेज पे होता है। अधिक नमी होने के कारण स्पर्जिलस फ्लेवस, ये स्पर्जिलस फ्लेवस क्या है, ये कवक है, कवक है ठीक। स्पर्जिलस फ्लेवस कवक के कारण क्या हो जाता है, अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन रोग होता है। जाता है ठीक, अफ्लाटॉक्सिन रोग हो जाता है। किसके कारण होता है, एस्पर्जिलस फ्लेवस कवक के कारण होता है। और कब होता है, जब नमी की मात्रा अधिक होती है। आगे उपज, इसका उपज देखते हैं, तो उपज सिंचित अवस्था में कितना हो जाता है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ये इतना उपज होता है ठीक। और आगे इसका एक रोग इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, टिक्का रोग, टिक्का रोग। और ये टिक्का दो प्रकार का होता है, एक अगेती और एक पछेती। टिक्का रोग मुख्य रोग, मुख्य रोग कौन सा है, टिक्का। और टिक्का में दो होते हैं, एक अगेती, ये अगेती टिक्का जो होता है ये किसके कारण होता है, सर्कोस्पोरा सर्कोस्पोरा एरएचडी कोला, एरएचडी कोला। और दूसरा पछेती टिक्का किसके कारण होता है, ये सर्कोस्पोरा परसोनाटा। देखिए अगेती, ए से अगेती और एरएचडी कोला, पी से पछेती परसोनाटा। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा रोग से कि अगेती टिक्का किसके कारण होता है, तो सर्कोस्पोरा एरएचडी कोला के कारण अगेती होता है और सर्कोस्पोरा परसोनाटा के कारण पछेती टिक्का होता है ठीक। लेकिन परीक्षा में अगर ये पूछ लिया गया कि सर्वाधिक नुकसान किससे होता है, तो पछेती से सर्वाधिक नुकसान पछेती टिक्का से सर्वाधिक नुकसान होता है। रोग में तो यही इंपॉर्टेंट है। और कीट, एक कीट है इसका व्हाइट ग्रब पूछा जाता है, यही कीट में प्रमुख कीट में कौन है, व्हाइट ग्रब। ये जो व्हाइट ग्रब है यही सबसे प्रमुख कीट है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है व्हाइट ग्रब का,
क्या है? होलोट्राइकिया, होलोट्राइकिया कॉन्सनगुनिया, ये है इसका जूलॉजिकल नेम व्हाइट ग्रब का। ठीक, एक तो डिजीज इंपॉर्टेंट है टिक्का, और एक कीट इंपॉर्टेंट है व्हाइट ग्रब। और मूंगफली में इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था मूंगफली का ये करा दिया गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।